सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मासाब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासाब पर। साथियों, कल से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीक्षा ऐप पर लिंक ओपन नहीं हो रहा है, दीक्षा ऐप पर कोर्स का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, वो सीधे ब्राउज़र पर ओपन हो रहा है। तो साथियों, इस समस्या का समाधान हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, इस व्हाट्सएप पर ये लिंक है, हमने लिंक पर क्लिक किया तो ये लिंक सीधा ब्राउज़र पर ओपन हो गया, गूगल क्रोम पर ओपन हो गया है। इसने हमसे ये भी नहीं पूछा कि हम इस लिंक को क्या दीक्षा ऐप पर ओपन करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करें, क्या समाधान हो सकता है इसका? अगर आप ब्राउज़र पर ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना HRMS कोड और पासवर्ड एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना HRMS कोड एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर कर देंगे और कैप्चा कोड एंटर कर देंगे। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि गूगल क्रोम पे ओपन करना है या दीक्षा पे ओपन करना है। तो आप यहाँ पर दीक्षा पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हम क्रोम पर ही क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने क्रोम पर क्लिक किया और हमने कर दिया रिमेंबर माई चॉइस, तो वो जो भी आप हमेशा इसके बाद जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो हमेशा क्रोम पर ही ओपन होगी। अब ये देखिए, क्रोम पर हमारा कोर्स ओपन हो गया है। अब देखिए, हम दोबारा से लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, फिर से ये ब्राउज़र पर ही ओपन हो रहा है, ये दीक्षा ऐप पर ओपन नहीं होगा। देखिए, फिर से ब्राउज़र पर ही ओपन हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप्स, आपको ऐप्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर मिलेगा आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। ये देखिए, इस तरह का विंडो यहाँ पर ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अब जैसे मेरे फ़ोन में सारे लिंक ओपन हो रहे हैं क्रोम पर, तो मैंने क्रोम पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देखिए, सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा, लास्ट में जाना है आपको क्लियर डिफ़ॉल्ट्स, आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर डिफ़ॉल्ट्स, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लियर डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक कर देंगे। ये कर दिया हमने, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम फिर से, अब ये देखो, हमने लिंक पर क्लिक किया तो अब ये देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि दीक्षा पर ओपन करना है, क्रोम पे ओपन करना है, और हमने दीक्षा पे क्लिक कर दिया तो अभी हमारा कोर्स जो है दीक्षा पर ओपन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है, वहाँ पर मैनेज ऐप्स पर जाना है आपको, तब आप ये देख लीजिए ये दिक्कत क्यों आती है। जैसे हमने लिंक पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो सेलेक्ट कर दिया रिमेंबर माई चॉइस और फिर हमने क्लिक कर दिया क्रोम पर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो भी लिंक आप ओपन करोगे वो लिंक आपकी क्रोम पर ही ओपन होंगी। ये देखिए, ये क्रोम पर ही ओपन हो रही है। कोई भी अगर आप दीक्षा ऐप की लिंक पर क्लिक करोगे तो वो हमेशा आप क्रोम पर ही ओपन होगी। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पर आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करना है आपको ऐप्स पर। यहाँ पर आपको ऐप्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है मैनेज ऐप्स।
आप मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा देखने को। और यहाँ पर आपको क्रोम को सेलेक्ट कर लेंगे, क्रोम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे लास्ट में देखेंगे आप डिफ़ॉल्ट, क्लियर डिफ़ॉल्ट्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर डिफ़ॉल्ट्स, तो आप क्लियर डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक कर देंगे। अब आप किसी भी लिंक को ओपन करेंगे तो वो दीक्षा ऐप पर ओपन होगी। अब देखिए आप लिंक पर क्लिक करें, अब यहाँ पर आप दीक्षा पे ओपन करना चाहें तो दीक्षा पे ओपन हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे।